हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? तो आज हम जो है इस इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लास्ट टॉपिक है वो करेंगे, डेट इज सोलर सेल और फोटोवोल्टाइक डिवाइस, जिसको बोलते हैं सोलर सेल इसको हम बोलते हैं फोटो वोल्टाइक, ठीक है? VOLTAIC फोटो वोल्टाइक डिवाइस, राइट? सोलर सेल भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टाइक डिवाइस, ठीक है? तो आज का टॉपिक हमारा ये है। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ सोलर सेल, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड ड्रॉ VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल्स एंड आल्सो गिव इट्स यूजेस। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, व्हाट इज अ सोलर सेल, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ड्रॉ VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल, गिव इट्स यूजेस, राइट? तो सबसे पहले सोलर सेल क्या होता है, दैट इज अ स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड, अ स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड। और ये सोलर सेल क्या है, ये स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? तो सोलर सेल हमारे पास क्या है, एक स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है, राइट? इट इज अ स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी मतलब सन एनर्जी, सनलाइट, इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज नोन एज सोलर सेल और फोटोवोल्टाइक सेल, राइट? क्लियर? अब हम इसकी क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे सोलर सेल। तो सोलर सेल के कंस्ट्रक्शन में, इसको आपने ध्यान से सुनना, ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है? सोलर सेल की कंस्ट्रक्शन जो है इजी है, सारा कुछ सिंपल सोलर सेल के बारे में हम बता रहे हैं। जो सिंपल सोलर सेल है दैट कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, राइट? इसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड है, सिंपल सोलर सेल दैट कंसिस्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, राइट? पीएन जंक्शन डायोड जिसमें, अब ध्यान से सुनना, इन विच एन रीजन इज वेरी थिन, एन रीजन इज वेरी थिन, एन रीजन इसमें बहुत पतला होगा, बट पी रीजन इज थिक, वेरी की जगह थिन कर दो, नो प्रॉब्लम, एन रीजन इज थिन एंड पी रीजन इज थिक, राइट? क्लियर? तो सिंपल सोलर सेल जो है दैट कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें एन रीजन होगा दैट इज वेरी थिन एंड पी रीजन क्या होगा, दैट इज वेरी थिक, मतलब एक थिन है और एक क्या है, थिक है, राइट? तो एन रीजन दैट इज थिन और पी रीजन जो है वो क्या है, वहां पर थिक है। जो एन रीजन है दैट इज अबाउट 0.3 × 10⁻⁶ मीटर, 0.3 × 10⁻⁶ मीटर, ध्यान से सुनना, ये एन रीजन की थिकनेस है, 0.3 × 10⁻⁶ मीटर, और पी रीजन की जो है वो है 300 × 10⁻⁶ मीटर, 300 × 10⁻⁶ मीटर, ये इनकी थिकनेस है, राइट? तो थिकनेस कितनी है वो मैंने आपको बता दी, कंस्ट्रक्शन में ये आपने बातें सारी लिखनी है कि थिकनेस क्या है। तो मैंने क्या बोला, सिंपल सोलर सेल दैट कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड ऑफ विच एन रीजन इज वेरी थिन एंड पी रीजन इज थिक, और एन रीजन जो है दैट इज अबाउट 0.3 × 10⁻⁶ मीटर, और पी रीजन जो है दैट विल बी 300 × 10⁻⁶ मीटर थिक, ओके? क्लियर है? और जो जंक्शन सरफेस है, जो जंक्शन सरफेस है इन डायोड का, दैट इज कैप्ट सो लार्ज, जंक्शन सरफेस जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज कैप्ट लार्ज, राइट? जंक्शन सरफेस को आपने लार्ज रखना है, दैट इज कैप्ट लार्ज, सो दैट अमाउंट ऑफ रेडिएशंस
that may fall, large amount of radiations, so that large amount of radiation, so that large amount of radiations that will fall, large amount of radiations, जो large amount of radiations होंगी that may fall on it. मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो जंक्शन सरफेस है उसको आपने लार्ज रखना है ताकि उसके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशंस जो है वो क्या करें, फॉल करें. इज दैट क्लियर? पता चला? तो जंक्शन रेजिस्टेंस को आपने लार्ज रखना है, सॉरी जंक्शन सरफेस को आपने लार्ज रखना है ताकि जो रेडिएशंस हैं वो लार्ज हो. आपको पता है कि जितना जंक्शन सरफेस ज़्यादा होगा उतनी ही रेडिएशंस जो हैं उसके ऊपर ज़्यादा फॉल करेंगे, राइट? तो कंस्ट्रक्शन में सिंपल आपको पता चल गया. क्या बोला मैंने? सिंपल सोलर सेल दैट कंसिस्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ऑफ विच एन रीजन जो है दैट इज वेरी थिन. पी रीजन उसमें क्या होता है? थिक होता है. और एन रीजन की थिकनेस मैंने अगर बताई कि अगर उसकी थिकनेस 0.3 × −6 मीटर है तो पी रीजन की कितनी होगी? 300 × −6 मीटर. फिर मैंने क्या बताया कि जो जंक्शन सरफेस है दैट इज कैप्ट लार्ज. क्यों लार्ज होना चाहिए? ताकि उसके ऊपर जो रेडिएशंस फॉल कर रही हैं वो लार्ज अमाउंट में फॉल करें. जंक्शन सरफेस ऑफ दीज डायोड इज कैप्ट लार्ज सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशंस दैट मे फॉल ऑन इट. क्लियर? उसके बाद निकल प्लेटेड कॉन्टैक्ट्स आर कनेक्टेड थ्रू अ लो रेजिस्टेंस. अब मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताऊं, ठीक है? ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी. अब डायग्राम में आपको मैं बताऊंगा कि निकल हमारे पास कॉन्टैक्टेड होते हैं, यहां पर निकल कॉन्टैक्ट होता है. तो ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या है? पी रीजन जो है और एन रीजन, दिस इज एन रीजन, ये हमारे पास थिन होगा. और यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, पी रीजन है, ये पी रीजन जो है ये थिक होगा, ठीक है? दिस इज एन रीजन और ये हमारे पास क्या है, दैट इज पी रीजन. ओके, क्लियर है? और यहां पर निकल प्लेटेड कॉन्टैक्ट्स होंगे, दीज आर निकल प्लेटेड कॉन्टैक्ट्स, राइट? ये क्या है? निकल, एन आई सी के ई एल, निकल प्लेटेड कॉन्टैक्ट्स, राइट? निकल प्लेटेड कॉन्टैक्ट्स. यहां पर हम छोटा सा निकल प्लेटेड कॉन्टैक्ट लगाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें ये सरफेस ज्यादा चाहिए ताकि इसके ऊपर रेडिएशन जो है वो फॉल करे. ये भी निकल प्लेटेड कॉन्टैक्ट है, दिस इज ऑल्सो निकल प्लेटेड कॉन्टैक्ट, राइट? ये निकल प्लेटेड कॉन्टैक्ट है, इधर ये भी निकल प्लेटेड कॉन्टैक्ट है. अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, निकल प्लेटेड कॉन्टैक्ट है ये, आपने इसको लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया. यहां पर, यहां से एक वायर ली, यहां पर आपने एक लोड रेजिस्टेंस जो है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया और इसको इसके साथ कनेक्ट. इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर? और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द जंक्शन, ये हमारे पास जंक्शन है, दिस इज जंक्शन. ओके, क्लियर? पता चला? अब हमारे पास जो सोलर एनर्जी है जिसकी लाइट एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप है ई ग्रेटर देन ई जी, दैट इज सोलर एनर्जी. दिखाई दे रहा है? मैंने ऊपर तो लिख दे जा रहा. ओके, दैट इज सोलर एनर्जी, ठीक है? तो यहां पर रेडिएशंस जो हैं, लाइट रेडिएशंस वो फॉल कर रही है, राइट? ये लाइट रेडिएशंस यहां पर क्या कर रही है, फॉल कर रही है. अब ध्यान से सुनना, तो ये जो है दैट इज द सिंपल सोलर सेल, राइट? ये क्या है हमारे पास, सिंपल सोलर सेल, राइट? तो सिंपल सोलर सेल, दिस इज नोन एज लोड रेजिस्टेंस, एल ओ ए डी, दैट इज लोड रेजिस्टेंस, ठीक, क्लियर? तो ये सिंपल सोलर सेल है हमारे पास, लोड रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, जंक्शन आपको बता दिया. और इसको बनाने के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर सोलर सेल, उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, राइट? दैट शुड हैव लो कॉस्ट. ध्यान से सुनना, जो मटेरियल हम इसको यूज कर रहे हैं
मटेरियल जो हम इसको बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? नंबर वन, इट शुड बी ऑफ लो कॉस्ट. क्या होगा ये? लो कॉस्ट का. नंबर टू, लो कॉस्ट, ठीक है. दूसरा, उसकी जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो इजी होनी चाहिए. इजी अवेलेबिलिटी, इजी अवेलेबिलिटी, राइट. वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए. उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? इजी अवेलेबिलिटी. डिजायरेबल कंडक्टिविटी, डिजायरेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. डिजायरेबल कंडक्टिविटी मतलब जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं इस सोलर सेल को बनाने के लिए उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए. पहला बात, पहली क्या हमारे पास बात है कि डेट इज लो कॉस्ट. इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, और मतलब इजिली अवेलेबल होना चाहिए. नंबर थ्री मैंने क्या बोला? डिजायरेबल कंडक्टिविटी. क्या बोला मैंने? डिजायरेबल कंडक्टिविटी. यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं. ये लोड रेजिस्टेंस तो आपको पता है, ठीक है. आर एल मैंने इस तरफ को लिख देना ताकि मेरे पास जगह जो है वो बढ़ जाए. मैंने क्या बोला? नंबर थ्री, डिजायरेबल कंडक्टिविटी, राइट. उसकी कंडक्टिविटी डिजायरेबल होनी चाहिए. नंबर फोर, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन है वो हाई होनी चाहिए. ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन एज हाई एज 10^4 cm. मतलब लाइट को जो अब्सॉर्ब कर रही है वो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, जो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए उस मटेरियल की वो कितनी होनी चाहिए? एज हाई एज 10^4. ध्यान से सुनना, एज हाई एज 10^4 cm. पर सेंटीमीटर में इतनी उसकी क्या होनी चाहिए? अब्सॉर्प्शन होनी चाहिए, ऑप्टिकल अब्सॉर्प्शन, राइट. फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको दिखाई दे रहा है सारा, ये ला, राइट, एज आई एज. अब फिफ्थ पॉइंट आपने ध्यान से देखना है, वो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं. ये सारे पॉइंट्स आपने बेटा याद रखने, कॉपी के ऊपर लिखने हैं. फॉरवर्ड एनर्जी गैप, जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है ई जी, वो कितना होना चाहिए? फॉरवर्ड एनर्जी गैप दैट शुड बी ऑफ 1 to 1.8 eV. ये कंडीशन है हमारे पास. मतलब जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं सोलर सेल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसमें नंबर वन, पहली बात, वो लो कॉस्ट होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसकी कंडक्टिविटी डिजायरेबल होनी चाहिए, उसमें जो ऑप्टिकल अब्सॉर्प्शन है दैट मस्ट बी एज हाई एज 10^4 cm, राइट. और उसकी जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है वो 1 to 1.8 eV होना चाहिए, राइट. तो ये हमारे पास सारी की सारी क्या है? कंस्ट्रक्शंस है. पता चल गया, क्लियर है. चलें आगे. अब हम इसकी वर्किंग करते हैं. वर्किंग आपने ध्यान से सुनी, वर्किंग लिखूंगा. तो सोलर सेल को वैसे डिनोट कैसे करते हैं? अगर हम सोलर सेल को डिनोट करने की बात करें तो हम इसको सोलर सेल को ऐसे डिनोट करते हैं, ये ऐसे करके, राइट. है तो पीएन जंक्शन डायोड ही है, इसको ऐसे बना दो और इधर से भी लाइट खींच दो, इधर से भी. अब सोलर सेल के ऊपर लाइट पड़ रही है तो हम ऐसे, तो ये हमारे पास क्या है? सोलर सेल. इज दैट क्लियर? पता चल गया. तो ये हम सोलर सेल को ऐसे डिनोट करते हैं. अब इसकी वर्किंग ध्यान से सुन लीजिए. कहता कि जब हमारे पास सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी किसी भी सोलर सेल के ऊपर फॉल करती है, व्हेन सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी फॉल्स ऑन द सोलर सेल्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन बोथ एन रीजन एंड पी रीजन. जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, राइट, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, राइट, इन बोथ एन रीजन एंड पी रीजन. ध्यान से सुनना, जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं एन रीजन में भी, पी रीजन में भी. वर्किंग बता रहा हूं मैं आपको, फिर से ध्यान से सुनना है. बाकी कंस्ट्रक्शन आपको पता चलेगी, सोलर सेल क्या है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, क्या है, वो सारी मैंने आपको बातें बता दी. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास जैसे ही सोलर सेल के ऊपर लाइट पड़ती है,
When solar cell or light energy falls on the solar cells, when solar energy or light energy falls on the solar cell, electron hole pairs are generated. Electron hole pairs जो हैं वो generate होते हैं both n region and p region, right? जो electrons हैं from p region, they diffuse through the junction to n region. जो electron है p region के, ध्यान से सुनना आप. जो p रीजन के इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज कर जाएंगे n रीजन में. बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जैसे ही इसके ऊपर सोलर एनर्जी, सोलर सेल के ऊपर सोलर लाइट फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं बोथ n रीजन में और p रीजन में. दोनों रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन है p रीजन में, जो p रीजन में इलेक्ट्रॉन है, दे विल डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन टू n रीजन. ये हमारा जंक्शन है, दिस इज द जंक्शन, राइट? ये हमारा जंक्शन है. तो इलेक्ट्रॉन जो वो डिफ्यूज करेंगे पी रीजन से एन रीजन, मतलब एन रीजन में चले जाएंगे. और जो हमारे पास होल्स हैं फ्रॉम एन रीजन, ध्यान से सुनना, होल्स फ्रॉम एन रीजन दे डिफ्यूज टू पी रीजन थ्रू द जंक्शन. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो P रीजन से N रीजन में जा रहे हैं, होल जो हैं वो N रीजन से किस में आ रहे हैं, P रीजन में आ रहे हैं. और डिफ्यूजन हो रही है थ्रू द जंक्शन. इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, होल्स इधर आ गए. व्हाट डज इट मीन कि होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे गेट सेपरेटेड आउट. इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, होल इधर आ गए, दे गेट सेपरेटेड आउट, राइट? क्लियर? फॉर बेटर होल इलेक्ट्रॉन सेपरेशन अंडर द अफेक्ट ऑफ जंक्शन फील्ड, इट इज रिक्वायर्ड दैट फोटो एमिशन टेक्स प्लेस इन द जंक्शन एरिया ओनली. कि जो फोटो एमिशन होनी चाहिए वो कहां पर? जंक्शन एरिया के नियर अबाउट होनी चाहिए. अगर आपने क्या लेनी है, इसकी परफॉर्मेंस बेटर लेनी है. मैंने क्या बोला? फॉर बेटर इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेशन अंडर द अफेक्ट ऑफ जंक्शन फील्ड, इट इज रिक्वायर्ड दैट फोटो एमिशन टेक्स प्लेस इन द जंक्शन एरिया ओनली. जो फोटो एमिशन होनी चाहिए वो जंक्शन एरिया में होनी चाहिए. क्लियर? पता चल गया, जैसे लाइट फॉल की इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट, आपने इतना याद रखना है, जैसे लाइट फॉल की इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए बोथ एन और पी रीजन में, और पी रीजन से इलेक्ट्रॉन एन रीजन में डिफ्यूज हो गए, एन रीजन से होल्स पी रीजन में डिफ्यूज हो गए. क्लियर? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होल सेपरेट हो गए. अब अगर पी एन जंक्शन डायोड का ओपन सर्किट है, मान लो यहां पर मैं की लगा देता हूं, नाउ दिस इज ओपन सर्किट. जब तक ये ओपन सर्किट में है, मतलब कोई लोड रेजिस्टेंस हमने यहां पर नहीं लगाया, जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल कलेक्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन. यहां पर होल्स हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे. यहां पर क्या, सॉरी, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सारे इधर जा रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएंगे सारे. यहां पर क्या होंगे? होल्स कलेक्ट. इसका मतलब क्या है कि होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दे आर सेपरेट, सेपरेट आउट, वो सेपरेट हो गए, होल्स इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए. तो इसका मतलब क्या हुआ? एक सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया इसने, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया. ठीक है, जो पीएन जंक्शन डायोड है अगर ओपन सर्किटेड है तो जो होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल कलेक्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन. And this gives rise to an open circuit voltage. यहां पर एक open circuit voltage आ जाती है, open circuit voltage. ठीक है, जब हमारे पास open circuit voltage आ गई तो आपको पता है कि as soon as external resistance आप इसके साथ connect करोगे, मतलब इस key को जब आप on करोगे तो current जो है that begins to flow through the circuit, right? और जो करंट है वो इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट. ये तो आपको पता है कि जैसे जैसे सनलाइट इंक्रीज होगी करंट इंक्रीज होगा. क्लियर? समझ आई? पता चला? फिर से ध्यान से सुन लेना कि जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं बोथ एन रीजन एंड पी रीजन में. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी रीजन से एन रीजन में जा रहे हैं, होल्स जो हैं वो एन रीजन से पी रीजन में आ रहे हैं, तो दे सेपरेटेड आउट, इलेक्ट्रॉन इधर रह गए, होल्स इधर आ गए. तो यहां पर एक क्या हो गया, एक ओपन सर्किट वोल्टेज क्रिएट होगी. जैसे हम इसको की को ऑन करेंगे जो करंट है दैट बिगिंस टू फ्लो, और करंट बढ़ता जाएगा. कैसे? जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओगे करंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. इज दैट क्लियर? अब हम करेंगे इसकी वी आई करेक्टरिस्टिक्स. ओके, अब हम करेंगे वी आई करेक्टरिस्टिक. देखो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं, साथ साथ में इसको नोट करते जाना है. वी आई करेक्टरिस्टिक्स,
अब वी आई करैक्टरिस्टिक्स, इसको ध्यान से सुनना, वोल्टेज एंड करंट करैक्टरिस्टिक्स। तो टिपिकल वी आई करैक्टरिस्टिक्स जो है सोलर सेल की, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये बात है, ये ऐसे ऐसे बना रहते हैं डायग्राम इसका, ठीक है। ये है हमारे पास, दिस इज वी जीरो। वी जीरो क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज, राइट। वी जीरो क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ सेल। और ये क्या है? दैट इज द मैक्सिमम करंट आईएस। आईएस यहां पर क्या है? दैट इज मैक्सिमम करंट, मींस शॉर्ट सर्किट करंट विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ओके, क्लियर। जो कर्व है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्यों लिया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कर्व मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों ली? बिकॉज सोलर सेल डज नॉट ड्रॉ करंट, बट इट सप्लाइज द करंट टू द लोड रेजिस्टेंस। जो लोड हमारे पास, मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो सोलर सेल है वो करंट को ड्रा नहीं करता है, लेकिन वो सप्लाई करता है टू द लोड रेजिस्टेंस, इसलिए मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया, ठीक है, क्लियर। हमारे पास क्या है? वी जीरो क्या है? मैंने आपको बता दिया ओपन सर्किट वोल्टेज। आई क्या है? आई एस क्या है? इसको शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। आई एस को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट क्या है कि जब यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गया, तो जब इसको इसके साथ जोड़ोगे तो शॉर्ट सर्किट ही हो गया, तो उसी टाइम मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो करता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। वी जीरो क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये हमारी वोल्टेज करंट करैक्टरिस्टिक्स है। ओके, समझ आई? कंडीशन वही है कि जो लाइट एनर्जी होनी चाहिए उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी गैप से ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको पहले लिख दिया कि एनर्जी गैप सोलर एनर्जी की या लाइट एनर्जी की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी, उसकी सिंपल बात है, जो सोलर एनर्जी है लाइट एनर्जी है, डैट मस्ट बी ग्रेटर दैन यस फॉरवर्ड एनर्जी गैप, ईजी। अब यूजेस ऑफ सेल, यूजेस, तो यूजेस ऑफ सेल। संडे को बेटा रेडी रहना, संडे को आपका टेस्ट होगा किसका? यस, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यूजेस ऑफ सोलर सेल, नंबर वन, सोलर सेल्स दे आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स। यूजेस क्या है? यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में यूज होते हैं बहुत सारे, बेटा ये स्ट्रीट लाइट में यूज होते हैं, आजकल तो घरों में भी यूज होते हैं, ठीक है कि नहीं। सोलर हीटर में यूज होते हैं, यूज्ड इन, यूज्ड एज सोलर हीटर्स, ठीक है, सोलर हीटर में यूज़ होते हैं। और कहाँ पर यूज होते हैं? घड़ियों में भी यूज़ होते हैं सोलर सेल, सैटेलाइट में, स्पेस व्हीकल में, कैलकुलेटर में, राइट, इन सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स में, राइट, स्पेस व्हीकल्स में, स्पेस व्हीकल्स, कैलकुलेटर्स, राइट, कैलकुलेटर्स, वॉचेस, बहुत सारे यूजेज हैं, ठीक है। तो इनको आपने ध्यान से सुनना है कि सोलर सेल दे आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स, दे आर यूज्ड इन सोलर हीटर्स, दे आर यूज्ड इन पावर सप्लाई ऑफ सैटेलाइट्स एंड स्पेस व्हीकल्स, दे आर यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, राइट। तो सोलर सेल आपको पता चल गया कि सोलर सेल क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसकी वर्किंग क्या होती है, मटेरियल की जो मैन्युफैक्चर, हम जिस मटेरियल से हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वी आई करैक्टरिस्टिक्स क्या है, और इसके यूजेस क्या है, तो इसको बेटा ध्यान से करना है, राइट। तो सोलर सेल के साथ ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सोलर सेल में, यू कैन कॉल मी, आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये क्या है सोलर सेल, इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार रिपीट करके फिर वीडियो देख लेना, कुछ भी नहीं है, जो पूछेंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर है। बाकी जब आप इंजीनियर बनोगे या तो आपको सारी बातें जो है वो पता चल जाएगी। ओके देन बेटा, गुड बाय।